लोग आज स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड क्या होता है बताया था कल फर्स्ट क्लास से, पहले क्लास में हम इसे बता चुके हैं। कीबोर्ड में आपके 101 से लेकर के 105 कीज होती है, और हमारा कीबोर्ड जो होता है वो आपका इस तरह का आपका कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के सारे फंक्शन किसको कौन सी की कहते हैं, उसको तो क्या कहा जाता है, ये आपको उसमें बताएगा। फिर आपका कीबोर्ड आता है, अब इसमें हम लोग कीबोर्ड पे शॉर्टकट शॉर्टकट कीज होता है, हम लोग कैसे शॉर्टकट कीज हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी यहाँ तक हमने बता दिया। नोटपैड ओपन करते विंडो की दबाएंगे, यहाँ पे हमने नोटपैड लिखा, नोट पैड लिख के जैसे इंटर करेंगे आपका नोट पैड जो होता है ओपन हो करके आ जाएगा। नोट पैड में क्या आपको ये सारी कीज आपको बता चुके हैं अभी स्टार्ट पहली क्लास में, और हमें फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई भी फाइल हमने ले ली, फाइल पे जाके ओपन पे हमने कोई भी फाइल हमने ओपन करी, उसमें जो भी मैटर लिखा होगा इसमें हमने बताया था कीबोर्ड से भी हमें कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ एरो की, आपका लेफ्ट एरो की राइट एरो की जिधर की ओर एरो की जाना है उधर का मैटर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें इसे कॉपी करना होता है, कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी कर लेंगे तो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल सी किया हमने, कंट्रोल के साथ सी किया कॉपी हो गया, हमने कर्सर सबसे लास्ट पे रखा और एंटर कर दिया तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको किया कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, हमने कंट्रोल वी किया मैटर हमारा पेस्ट हो गया। अब यदि हमें मैटर कट करना है तो शिफ्ट के साथ एरो की जितना मैटर आपको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ उतना मैटर आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से आप क्या करना है कट करना है। कट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल के साथ एक्स, कंट्रोल एक्स करेंगे मैटर कट हो जाएगा, कर्सर आप यहाँ पे रखेंगे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे वो मैटर आपका पेस्ट हो जाएगा। यदि हमें पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और हमें इसे डिलीट बटन, कीबोर्ड पे आपके डिलीट बटन दी गई होती है उसको बटन को प्रेस करते हैं तो वो मैटर आपका डिलीट हो जाएगा। इसको यदि वापस दोबारा लाना होता है तो उसके लिए अंडू ऑप्शन का यूज करते हैं कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड करेंगे ये मैटर हमारा पूरा का पूरा दोबारा से फिर से वापस आ जाएगा। अब आते हैं देखिए अल्ट स्पेस बार एक्स मैक्स मैजिक विंडो। अब जब एक से ज्यादा दो कीज होती है तो हम लोग एक ही प्रेस करके रखते हैं, दूसरी की को प्रेस करते हैं, लेकिन यदि आपके एक से ज्यादा कीज तीन कीज होती है तो उसमें एक एक कीज आपको प्रेस करना होता है। हमें इसे मैक्स मैजिक विंडो करना है तो अल्ट दबाना है, अल्ट दबा दिया छोड़ दिया, फिर आपने स्पेस बार दबाया और हमने एक्स प्रेस किया तो आपका मैक्सिमाइजिंग विंडो विंडो जो होता है फुल स्क्रीन पे मैक्सिमाइज होकर के आ जाएगा। अब यदि हमें इसे मिनिमाइज करना है तो उसके लिए करते हैं अल्ट स्पेस बार और एन, तो मिनिमाइज हो जाएगा अल्ट स्पेस बार एंड मिनिमाइजिंग विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। फिर से यदि इसे ओपन करना है तो अल्ट के साथ टैप करेंगे तो डेस्कटॉप विंडोज होता है वो आपका यहाँ पे फिर से ओपन हो करके आ जाएगा। अब हमको इसको करना है रिस्टोर, रिस्टोर करने के लिए क्या करना है Alt प्लस स्पेस बार प्लस आर रिस्टोरिंग विंडो, Alt दबाइए स्पेस बार दबाइए और आर दबाइए रिस्टोर हो जाएगा। फिर से आपका इसका जो साइज होगा उस साइज पे आपका ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ पे Alt स्पेस बार मूविंग विंडो, विंडो को एक जगह से दूसरे जगह पे यदि मूव करना है, अब ये स्क्रीन पे छोटा सा स्क्रीन पे आ रहा है, अब इसको एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे अल्ट स्पेस बार अल्ट दबाएंगे स्पेस बार दबाएंगे और हम इसे एम करेंगे। एम करने के बाद अब आपकी जो चारों एरो कीज होती है उसे आप जिधर चाहते हैं उधर आप उसे मूव कर सकते हैं, जिधर भी मूव करना है उधर की ओर आप उसे मूव कर सकते हैं। आप मूव कर लेंगे एंटर कर देंगे मूव एंटर कर देंगे तो मूविंग आपकी बंद हो जाएगी। अब उसके बाद दिखा हुआ है अल्ट स्पेस बार एस साइजिंग विंडो, यहाँ पे विंडो का साइज होता है हमें चेंज करना होता है उसके लिए हम लोग उसका यूज करते हैं अल्ट स्पेस बार रिसाइजिंग विंडो, अल्ट दबाइए स्पेस बार दबाइए और एस दबाइए। इसके बाद आपकी जो चारों एरो की थी लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की से आप इसे छोटा बड़ा जो साइज आप इसे करना चाहते
वो साइज हम लोग इसे कर सकते हैं। फिर इंटर कर देंगे तो अब आपका साइज चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे और भी कीज है, ठीक है, अल्ट स्पेस बार। अब यहाँ पे F1 से F12 तक, इसमें आपको F1 से F12 तक कीज में आपको यहाँ पे F1 बताया गया और F3 बताया गया और F4 अल्ट प्लस F4, और इसे हमने आपको इसमें अल्ट के साथ F4 का दबाया। ये देखिए F3 बताया, F1 बताया, अल्ट साथ F4 बताया, शिफ्ट के साथ F10 बताया। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए मतलब यहाँ पे अल्ट साथ F4 बताया, कोई भी प्रोग्राम आपका ओपन होगा उसे क्लोज करना होता है, अल्ट F4 करते हैं, शिफ्ट के साथ F10, शिफ्ट के साथ F10 करेंगे, माउस का राइट क्लिक, माउस में राइट क्लिक करते हैं। यदि यही कीज आपको कीबोर्ड से लाना है तो शिफ्ट के साथ F10 करेंगे तो आपका राइट क्लिक आपका आ जाता है। और इसके F3 F1 F3 कर लेंगे, फाइंडिंग अ फाइल F1 करेंगे, हेल्पफुल के आपका आता है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इंटर की। इंटर की का यूज क्या होता है, यूज टू एक्सक्यूट इंस्ट्रक्शन आर डाटा की इज द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे डाटा को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हमें क्या होता है, ये मैटर यहाँ तक लिखे है, अब इसके आगे हमको मैटर नहीं लिखना है, तो उसके लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। इंटर करेंगे आप सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे, तो यदि हमें सेकेंड लाइन पे आना होता है तो उसके लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। अब आता है शिफ्ट का। शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट की होती है यूज टू इनपुट द अपर सिंबल फॉर की विथ टू सिंबल, जिसमें आपके डबल सिंबल होते हैं, उसके यदि अपर सिंबल को बनाना होता है उसके लिए हम लोग क्या होता है, अपर सिंबल का यूज करते हैं। जिसमें आपके कीबोर्ड कीबोर्ड जो होता है जिसमें आपके डबल सिंबल बने होते हैं, उसके यदि अपर सिंबल को बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, शिफ्ट का यूज करते हैं। यूज टू इनपुट द अपर सिंबल फॉर की बिट टू सिंबल, जिसमें डबल सिंबल होते हैं उसके अपर सिंबल को, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर यहाँ पे 2, और ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका अंडर एट द रेट ऑफ बनेगा, और 2 सिंपल दबाएंगे तो 2। देख लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे कर्सर है, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी 2 आया, यदि हम लोग शिफ्ट दबाते हैं और फिर से प्रेस करते हैं तो आपका ये आ जाएगा। तो जिसमें डबल डबल सिंबल जितने भी आपके ये सब ठीक है, ये आपके जितने भी डबल सिंबल है उसके यदि अपर सिंबल को आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। ये आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे भी डबल सिंबल दिया गया है, उसके यदि ऊपर सिंबल को बनाना है तो शिफ्ट का यूज होता है। दूसरा शिफ्ट दबाते हैं तो कोई भी अल्फाबेट ए से जेड तक के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको कैपिटल लेटर से बनाने के लिए हम लोग क्या होता है, शिफ्ट का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल की। कंट्रोल की में क्या होता है, आपने पीछे भी हमें बताया गया, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, ये मतलब जो शॉर्टकट कीज होता है, CTRL प्लस ए, कंट्रोल ए, ठीक, कंट्रोल एस, सेव करने, ये शॉर्टकट कीज, कंट्रोल साथ जो भी कीज आप यूज करके आप उसे बना सकते हो, कंट्रोल की आपका होता है। अब आता है विंडो की। विंडो इट इज यूज टू एक्सप्लोर द विंडो, यहाँ पे विंडो को एक्सप्लोर करना होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। विंडो को स्टार्ट मेनू ओपन करना होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका दिया गया है अल्ट की। अल्ट की दबाते हैं तो यहाँ पे जैसे अल्ट की प्रेस करेंगे, जैसे ही आप अल्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइल पे क्या होता है, एफ पे नीचे अल्ट के साथ ई करेंगे, एडिट के नीचे अल्ट के साथ ओ करेंगे, फॉर्मेट के नीचे आपकी अंडरलाइन ओ के आ जाती है। इसका मीन्स ये होता है कि हम लोग अल्ट के साथ ये वाली की प्रेस करेंगे तो आपका ये अल्ट के साथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाई देगा। यहाँ पे
मैं यहाँ पे अर्ड की दबाया, कैसे अर्ड दबाएंगे, यहाँ पे देखिए फाइल पे एफ के नीचे, एडिट पे ई के नीचे, फॉरवर्ड पे ओ के नीचे, व्यू पे बी के नीचे और हेल्प पे एच के नीचे आपकी अंडरलाइन आ रही है। जो आपकी अंडरलाइन आ रही है ये इसका मतलब है जिसके नीचे अंडरलाइन आ रही है आप अल्ट के साथ वो की प्रेस करेंगे तो आपका वो मेनू आपका ओपन हो करके आ जाएगा। ये आपका मेनू बार होता है, अल्ट एफ किया देखिए फाइल मेनू खुला, अल्ट हमने ई किया एडिट खुला, अल्ट के साथ ओ किया तो फॉरवर्ड खुल गया, अल्ट वी किया तो व्यू खुला, अल्ट एस किया तो हेल्प खुल गया। इस तरीके से जो भी आपको इससे मेनू ओपन करना होता है अल्ट के साथ वो की प्रेस करते हैं तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए कुछ ना कुछ क्लिक कर रहे हैं तो कीबोर्ड से आपके सब हट नहीं रहे, हमें इसको कैंसिल करना होता है तो बताया था एस्केप, एस्केप बटन की एस्केप प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है आपका हट जाएगा। कैंसिल करने के लिए हम लोग एस्केप का यूज करते हैं। अब आते हैं नीचे टैब की, टैब की क्या होता है कि अभी जो हम लोग स्पेस बार यूज करते थे, जैसे हमने कर्सर कहीं पे भी रखा और हमने स्पेस बार यूज किया तो एक कैरेक्टर का स्पेस होता है, यदि हमें लॉन्ग स्पेस करना होता है तो उसके लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं, कम से कम 5 कैरेक्टर एक बार में आपके 5 कैरेक्टर का स्पेस करने के लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे टैब का तो सिर्फ कम से कम 5 कैरेक्टर का आपका स्पेस होता है। फिर इसके बाद आता है स्पेस बार, स्पेस बार क्या बैक स्पेस, इसके बाद आता है बैक स्पेस, बैक स्पेस की जो होती क्या होता है बैक स्पेस पे हम लोग कोई भी चीज आप उस पे कर्सर आपका कहीं पे भी रखा है आपका बैक स्पेस होता है उससे आपको लेफ्ट साइड का जो भी मैटर आपको डिलीट करना होता है उसके लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। नमलॉक आप जैसे प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होता है कीबोर्ड पे आपके नमलॉक में एक सेकेंड लाइन होती है वो आपकी ओपन होकर के आ जाती है, नमलॉक ऑफ एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आपका नमलॉक एक्टिवेट होगा, नमलॉक एक्टिवेट होगा तो आप उसमें जो आपका नमलॉक की पैड है उससे आप यहाँ पे जो भी कुछ आपको काम करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि नमलॉक से उससे आप प्रेस कर सक करके टाइप कर सकते हैं। और एरो कीज आपको बताया था, एरो की 4 एरो की ऊपर जाना है ऊपर जाने के लिए, डाउन आना है डाउन, लेफ्ट जाना है लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाना है तो राइट जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है होम, होम में क्या होता है कि हमें किसी भी कर्सर जो भी आपका एक है आप लिखा हुआ यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट स्टार्ट ऑफ करंट लाइन, लेफ्ट स्टार्ट ऑफ करंट लाइन के स्टार्ट पे जाना होता है उसके लिए हम लोग होम का यूज करते हैं। अभी हम लोग कर्सर कहीं पे भी रखा हुआ है हम लेफ्ट एरो की से यूज करते हैं तो आप उस लाइन के स्टार्ट पे तो आते हैं लेकिन कुछ समय लग जाता है। अभी इसीलिए कीबोर्ड पे मतलब आपके कीबोर्ड पे होम बटन दिया गया है, यहाँ पे होम लिखा होगा, होम जैसे प्रेस करेंगे उस लाइन के तुरंत आप स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। पेज एंड करना है यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, करंट लाइन के एंड पे जाना है उस लाइन के लास्ट पे जाना होता है, एंड बटन दबाएंगे तो उस लाइन के एकदम लास्ट पे आप उसमें पहुंच जाएंगे। इसके बाद दिया गया पेज अप और पेज डाउन, अब पेज अप पेज डाउन क्या होता है जब आपका एक पेज से मैटर ज्यादा होता है तो हमें पेज अप पेज डाउन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम आपका जो भी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं जिस पे आपको करना है काम तो वो उसमें एक पेज से ज्यादा मैटर आपका होना चाहिए तभी हम उसमें कोई भी काम कर पाएंगे। तो पेज अप पेज डाउन, पेज अप करेंगे नीचे देखिए पेज डाउन पेज अप पेज डाउन करेंगे तो आपका देखिए अप डाउन आपका हो रहा, तो इस तरीके से जब एक पेज से मैटर ज्यादा होगा तो अप डाउन वाला आपका वर्क करेगा। इसके बाद आप कहीं पे भी लिखते हैं कर्सर लिख लेते हैं और इसके बाद डिलीट आता है, डिलीट बटन से क्या होता है कि डिलीट बटन आप दबाएंगे तो इससे आपका राइट साइड का मैटर होता है वो आपका डिलीट होता है, बैक स्पेस दबाएंगे लेफ्ट साइड का मैटर डिलीट होगा, डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड का मैटर आपका डिलीट होता है। अब एस्केप की अभी बताया था, एस्केप कहते हैं जैसे आर टाइप किया हमने फाइल खुल गया, अब इससे ये कैंसिल नहीं हो रहा, एस्केप की प्रेस कर देते हैं ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अल्फाबेट कीज ए से जेड तक की कीज होता है, ए से जेड तक की जो कीज होती है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, ए से जेड तक की कीज हमें टाइप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर आता है आपका कैप्स लॉक, कैप्स लॉक में क्या होता है कि यदि आपने कैप्स लॉक एक बार ऑन किया तो आपका जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें सेकेंड लाइट आपकी ऑन हो जाती है, यदि आपकी सेकेंड लाइट ऑन हो गई अब आप बिना शिफ्ट दबाए कोई भी की आप प्रेस करते हैं, अल्फाबेट कीज जो भी ए से जेड तक कीज होती है उनको यदि प्रेस करते हैं वो सारी कैपिटल लेटर से टाइप होगी, बिना शिफ्ट दबाए आपको कुछ भी नहीं करना होगा और वो सब आपकी कैपिटल लेटर से बन के आएगी।
आता है स्पेस बार, सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड में, सबसे बड़ी चीज होती है उसे हम लोग स्पेस बार कहते हैं। और इस स्पेस एक एक करेक्टर का यदि स्पेस देते हैं तो इससे एक करेक्टर का आपका स्पेस हो जाता है कीबोर्ड पे। आपका इसमें सबसे बड़ी चीज होता है आपका स्पेस बार होता है। या आप कैटलॉग ऑन करते हैं तो ये कैटलॉग ऑन हो जाएगा, ये शिफ्ट की प्रेस हो गया शिफ्ट हो जाएगा, या आपका कंट्रोल की होता है ठीक है। यहाँ पे होम, पेज अप, पेज डाउन, सारी चीज आपको यहाँ पे हमने बताया। अब स्पेस बार के समझ में आ गया। अब इसके बाद एप्लीकेशन की, अब ये कीबोर्ड पे आपके एक एप्लीकेशन की होती है, उससे क्या होता है माउस से राइट क्लिक करना होता है, उसके लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। अब आ जाते हैं माउस पे। माउस क्या होता है और हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका क्या यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये आपको इसमें बताया। माउस एक क्या होता है, माउस देन इनपुट डिवाइस। माउस भी हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है एंड इज यूज टू पोजिशन द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये आपके स्क्रीन पे पॉइंटर के रूप में, आपको जिस तरह का एक पॉइंटर आपको ये देखे दिख रहा, तो ये इस तरह का एक पॉइंटर आपका पॉइंटर के रूप में आपको दिखाता है। इट इज अ स्मॉल पॉम साइज माउस होता है, मूवमेंट फ्लैट सरफेस मूव द पॉइंटर इन द सेम डायरेक्शन एट द मूवमेंट ऑफ द माउस। देर आर टू बटन, इस पे दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडिल बटन होता है। स्टैंडर्ड माउस यूज टू गिव कमांड्स होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें माउस पे देखिए आपका जो माउस आ रहा, इसमें आपका एक लेफ्ट बटन होता है, एक आपका राइट बटन होता है, ये आपका बीच पे जो होता है एक आपका स्क्रॉल बार होता है, और ये माउस होता है। इतने आपका माउस का यूज करता है। लेफ्ट क्लिक, जिससे किसी ऑप्शन को आपको बंद करना है क्लोज करना है, तो उसके लिए माउस को ले जाकर के वहां पे क्लिक करते हैं तो आ जाता है। राइट क्लिक से कुछ फीचर आपके ऑप्शंस खुल के आते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाते हैं। अब आता है स्कैनर। स्कैनर होता क्या है, आप कुछ चीज के लिए यूज करते हैं। स्कैनर होता है क्या, तो इट इज वन ऑफ द डिवाइस। ये आपके ऐसी डिवाइस मोस्टली यूज इन डिजाइनिंग एटीसी। कंप्यूटर पे हमें कोई भी डिजाइनिंग करनी होती है, उसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं। जो हम लोग कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर मतलब माध्यम से हम कंप्यूटर पे कुछ भी बना नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। वो चीज है आपके जैसे फोटो है, यदि उस फोटो को हम अपने इसमें तो जैसी होती है वैसी नहीं बना पाएंगे, तो उसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैन करके आप उसे स्कैनर पे उसको रखते हैं। आपका ये इस तरह का स्कैनर होता है, इस पे आप फोटो रखेंगे और जैसे फोटो रख के स्कैन कराएंगे तो जैसी फोटो है एज इट इज वैसी फोटो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो कर जाएंगे। फर्दर जो होता है, दिस इनपुट आर यूज टू फॉर प्रोसेसिंग एंड मैग्निफिकेशन। यूज करते हैं दिस सम स्पेशल स्कैनर बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पज लाइक ओसीआर, एमआईसीआर, आरबीसीआर। सम ऑफ देन आर एक्सप्लेन बिलो, कुछ नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। फॉर स्पेशल पर्पज होता है लाइक जैसे ओसीआर होता है, एमआईसीआर होता है, बीसीआर होता है, और सम ऑफ देन एक्सप्लेन कुछ नीचे आपको और भी हम नीचे हमने आपको एक्सप्लेन करे है। यह आपका फ्लैटर स्कैनर, ये आपका इस तरह का स्कैनर होता है। इसमें जो भी इमेज आपको रखनी होती है वो इसके अंदर रखते हैं और हम इसे स्कैन करा देते हैं। सीट फैट स्कैनर, आपकी जो भी स्क्रीन सीट होती है उसे आपको स्कैन करना है, इसके लिए उसका पे आपका हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, आप उसे स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं, फोटो खींच के आपका एक ये आपका स्कैनर होता है ठीक है। जिसे आप स्कैनर से क्या होता है, इस पे आपके इस तरह के देखे होंगे बहुत सारी लाइनें, मोटी पतली लाइनें आपके इसमें बनी होती है, उस तरह की लाइनों को रीड करने के लिए आपका ये स्कैनर होता है। स्कैनर होता है, इसे रीड करके आपको उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओसीआर। ओसीआर जो होता है क्या होता है, ओसीआर आपका क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। वो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड एनी प्रिंटेड टेक्स्ट। में प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करना होता है। प्रिंटेड टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो जैसे मैटर आपका लिखा हुआ है यदि इसको स्कैन कराना है तो उस हम उसके लिए ओसीआर का यूज करते हैं। जो भी हमने पेज पर प्रिंट निकाला होता है जिसको स्कैन करना होता है उसके लिए ओसीआर का यूज करते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज करते हैं। ओसीआर स्कैन टेस्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर स्कैन करना, तो इस करते हैं कन्वर्ट द बिट टू मशीन रीडेबल कोड, या आपकी मशीन रीडेबल कोड पे कन्वर्ट करते हैं एंड स्टोर द टेस्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर एंड कन्वर्ट द बिट टू मशीन रीडेबल कोड यूज करते हैं एंड स्टोर द टेस्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। ये आपके सिस्टम मेमोरी पे स्टोर करता है। इट कैन रीच एट ए रेट अप टू 14 करेक्टर पर सेकेंड। इसमें 1400 करेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग इसे रीड कर सकते हैं। इसमें 1400 करेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से रीड कर सकता है, 1 सेकेंड में 1400 करेक्टर आपका रीड करेगा।
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर MICR, MICR होता है क्या था, कैन आइडेंटिफाई करेक्टर, ये हमारे करेक्टर को आइडेंटिफाई करता है प्रिंटर विद स्पेशल इंक। इसमें एक आपकी स्पेशल तरह के इंक का यूज करता है दैट कंटेन पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। MICs यूज मेनली द बैंकिंग इंडस्ट्री टू रीड चेक। बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक को रीड करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या होता है इसका यूज करते हैं। सिंस द MICR सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज ओनली सर्टेन कैरेक्टर स्टाइल, द कैरेक्टर हैव टू बी एक्यूरेटली फॉर्म पे वर्क करके उसका जो भी रिजल्ट होता है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। बारको रीडर आता है, बारको रीडर क्या होता है, BCR होता है। बारको रीडर इज अ डिवाइस होता है जिस रीड लाइट एंड डार्क लाइंस होता है डिफरेंट थिकनेस। इसमें क्या होता है जो आपका बारकोड होता है, बारकोड रीडर इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस होता है जिस रीड लाइट एंड डार्क लाइंस होता है और डिफरेंट थिकनेस पे आपको दिखाता है। बारकोड आर यूज्ड टू लेबल डिफरेंट प्रोडक्ट, ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके का बारकोड जो होता है वो आपका लगा होता है। इज द मेथड ऑफ कोडिंग बुक ETC, एक कोडिंग बुक का एक तरीका होता है। BCR डिकोड दिस लाइंस आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी और आइडेंटिटी और प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बताता है। ये जब आपका ये वाला था इसी को बताता है, ये इसमें देखो मल्टीपल लाइन होती है, इसे हम लोग बार कोड बोलते हैं। ये आपका बार कोड रीडर होता है, इससे क्या होता है ये रीड करके उसमें जो भी जो भी इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन फीड होती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बता देता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR और BCR, ये आपके स्कैनर्स होते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी चीज स्कैन करनी होती है तो इन स्कैनर्स का हम लोग यूज करते हैं। अब आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन होता क्या है, टच स्क्रीन होता है कि हम लोग कंप्यूटर पे आप जैसे कि फोन, आप मोबाइल फोन वगैरह होता है उसमें हम लोग टच करके कोई भी काम कर सकते हैं, वैसे आपका एक टच स्क्रीन होता है। इसमें आपके टच स्क्रीन आपके कंप्यूटर आता है उसमें टच करके कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। टच स्क्रीन या टच सेंसिटिव डिस्प्ले होता है वेर यू इंटर विद द डिवाइस बाई टचिंग एरिया ऑफ द स्क्रीन विथ योर फिंगर, मतलब फिंगर के माध्यम से किसी भी चीज को टच करना होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एज अ लॉट ऑफ आर्म मूवमेंट होता इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग दिस सिस्टम, यू डू नॉट यूजिंग दिस सिस्टम यू डू नॉट इंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इन टू टच स्क्रीन टच करके हम लोग उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। इंस्टीड यू टच वर्ड, आप इसमें किसी भी वर्ड को टच कर सकते हैं, कोई पिक्चर टच कर सकते हैं, नंबर्स हो गए नंबर्स को टच कर सकते हैं, और लोकेशन और कोई भी लोकेशन उसे आइडेंटिफाई ऑन द स्क्रीन पे आइडेंटिफाई करके आप दिखाया जा सकता है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर मेनी ATM मशीन, बहुत सारे ATM मशीनें जो होती है जो आपके टच स्क्रीन पे वर्क करती है। मशीन हैव टच स्क्रीन सो दैट यू कैन इजली एक्सेस योर बैंक अकाउंट, इसमें हम आसानी से बैंक अकाउंट होता है उसे हम लोग एक्सेस करा सकते हैं। सम नोटबुक आल्सो हैव अ टच स्क्रीन, कुछ नोटबुक जैसे नोटबुक होते हैं वो आपके कुछ टच स्क्रीन पे आते हैं, उसमें हम लोग टच करके कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक होता क्या है, जैसे कि माउस की डिवाइस होती है वैसे माउस के पॉइंटर की तरीके आपका ये वर्क करता है, और बसरते बस इसका यूज होता है आपका जॉयस्टिक जो होता है आपका गेम, कंप्यूटर पे हमें गेम खेलना होता है उसके लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है दैट इज बोथ इजी टू यूज एंड ग्रेडियल ऑफ फन होता है, मतलब ग्रेडियल ऑफ फन। द जॉयस्टिक इज सिमिलर टू द माउस, आपका सिमिलर टू द माउस का एक सिमिलर रूप है टू द माउस इन दैट इट इज आल्सो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूजली विज यूज व्हेन प्लेइंग कंप्यूटर गेम, यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटर पे गेम खेलना होता है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज द हार्ड हेल्ड डिवाइस बाय मूविंग द जॉयस्टिक पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन, स्क्रीन के चारों तरफ हम पॉइंटर से इस पॉइंटर को इसके माध्यम से मूव कर सकते हैं। तो ये आपका जॉयस्टिक हो गया जो कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक जो हमने पढ़ी वो सारी जो थी आपके इनपुट डिवाइसेस थी जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा और कुछ भी आप अंदर इनपुट करना होता है भेजना होता था उसके लिए हम लोग इसका यूज करते थे। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर आपको जो भी हम लोग काम करते हैं उसको डिस्प्ले करके दिखाता उसे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे आफ्टर डाटा इज बीइंग प्रोसेस, आप कोई भी डाटा दे दीजिए उसमें प्रोसेस होता है द इंफॉर्मेशन विच इज मशीन लैंग्वेज, ये आपकी कंप्यूटर होता है, आपकी कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होता है, उससे वर्क करते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन फॉर्म दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड, दिस इज डन बाय आउटपुट डिवाइसेस करते हैं द कमोनली यूज आउटपुट डिवाइसेज आर, यहाँ पे क्या था कि आपके आउटपुट डिवाइसेज आपको यहाँ पे दी गई है। आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले CRT मॉनिटर,
सीआरटी मॉनिटर क्या होता है कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसमें पीछे आपका ये जो पार्ट निकला होता है, जैसे आपका था एक कैथोड रे ट्यूब लगी होती थी जिसके माध्यम से इसमें जो भी कुछ आपका काम करते थे वो डिस्प्ले करके दिखाता था, इसे सीआरटी मॉनिटर कहा जाता था। फिर इसके बाद आया ईयरफोन, ईयरफोन से भी हमें क्या था आवाज जो भी हम लोग कंप्यूटर पे आवाज वगैरह प्ले हो रही होगी वो आवाज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता है, फिर आपको सुनाई देगा। एलसीडी, एलसीडी क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और एलईडी जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है और क्या डिफरेंट है, एलसीडी जो होता है क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से बहुत कम पावर की आवश्यकता होती है। पहले हम लोग को घरों पे क्या होता है कि हम लोग बल्ब यूज करते थे वो आपका 100 वाट का होता था, तो उस बल्ब को हम लोग जो 100 वाट का बल्ब होता था तो उसमें क्या होता है बहुत कम बहुत ज्यादा पावर चाहिए होता था। उसके बाद हमारी सीएफएल आई, तो सीएफएल में क्या होता था और सीएफएल में जो होता था उसमें 30 से 35 वाट का, तो हमारा 100 वाट का बल्ब उसके बाद 30 से 35 वाट तक की सीएफएल आने लगी, तो उसमें क्या होता पावर कंजप्शन आपका जो वाट होता था वो आपका कम हो गया। इसी प्रकार से आपका जैसे मॉनिटर, फिर आपका एलसीडी आया, तो एलसीडी में इससे थोड़ा सा कम पावर कम हुआ, फिर आपके एलईडी आई, वैसे आपका जो अब इस समय एलईडी बल्ब आते हैं तो वो आपके 7 से 9 वाट तक के ही खाली आपके होते हैं। तो एलईडी आया, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें बहुत कम पावर की आपको आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आता है प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है आप जो मतलब कंप्यूटर पे जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग बड़ी बड़ी होल्डिंग्स वगैरह बैंडर्स वगैरह देखते हैं तो वो जो होता है वो प्लॉटर के माध्यम से ही प्रिंट करके दिखाया जाता है। इसके बाद आता है प्रिंटर, प्रिंटर में क्या होता है कंप्यूटर पे जितना भी हम लोग काम करते हैं वो सारा काम का प्रिंट आउट, पेज पे प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए प्रिंटर का होना आवश्यक है, और उसके माध्यम से हम लोग प्रिंटर के माध्यम से हम उसमें कुछ भी जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर जो होता है क्या होता है कि आप उसमें कंप्यूटर पे क्या होता है प्रोजेक्टर में जो भी आप प्रोजेक्टर कंप्यूटर पे जैसे मॉनिटर स्क्रीन होता था आपका इसमें जो दिखाता है इसको बहुत बड़ी स्क्रीन पे कन्वर्ट करने के लिए या बहुत बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। फिर आता है साउंड कार्ड, साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड जो होता है आपका क्या होता है कि इसमें आवाज सुनाई, मतलब साउंड कार्ड यदि नहीं लगा होगा तो कंप्यूटर से क्या होता है हमें कंप्यूटर से आवाज सुनाई नहीं देगी, इसके लिए हम लोग साउंड कार्ड का यूज करते हैं, उससे हमें आवाज सुनाई देती है। अब थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये तो हो गया हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गए, और यहाँ पे हाँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा बताया गया, और हमारी ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, इतना सारा आपका ये पूरा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का जो भी और आगे है आगे का है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ये आपका इस तरह से क्लोज हो। और फ्रेंड जिसको भी मतलब अपने दोस्तों यारों को आप इसे फॉरवर्ड करिए, और जिनको भी कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो आप यहाँ पे वो आसानी से इसे ज्ञान ले सकते हैं, और रेगुलर हम लोग रेगुलर हमारे क्लासेस रहती है पर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन सारे क्लासेस होगी, वो सारे क्लासेस आप इसमें अटेंड करके आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होता है वो आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।